दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी राजस्थान से सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ को टिकट दे सकती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। स्वीकार, पार्टी से टिकट मिलने का है एतबार, मोदी शाह के आशीर्वाद मिलने के हैं आसार। राजेंद्र राठौड़ कुछ दिन पहले तक साफ साफ इनकार कर रहे थे कि वे विधानसभा चुनाव में हारे हुए पराजित नेता हैं, मगर अब राठौड़ के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। उनके बयान से ही जानकार ये अटकले लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं राजेंद्र राठौड़ को टिकट मिलने का इशारा हो चुका है। अगर पार्टी मेरे को मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो कोई मेरा अधिकार नहीं है, ना मैं मांग कर रहा हूँ। तैयार तो है, मैंने कहा ना, हम कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहेगी, हमारा आलाकमान तय करता है और उस भूमिका में हम सब तैयार रहते हैं। तो वहीं सतीश पुनिया के चेहरे पर भी मुस्कान दिखने लगी है, उनके समर्थक भी आहिस्ता आहिस्ता टिकट के प्रति आश्वस्त दिखने लगे हैं। पुनिया के सदे हुए बयानों में भी टिकट मिलने की उम्मीद नजर आने लगी है। पुनिया का कहना है कि पार्टी को जो नेता चुनाव जीतने में सक्षम नजर आते हैं उन्हें मौका जरूर दिया जाता है। देखिए, लोकसभा के और विधानसभा के समीकरण अलग होते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी का ही होता है, मेरिट पार्टी की होती है। उसमें यदि उनको सक्षम लगता है तो अवसर देते हैं, पहले भी दिया है, और मुझे लगता है कि जो इस बार जिन लोगों को अवसर दिया है तो उनकी क्षमता के आधार पर उनको मौका मिला है। पुनिया और राठौड़ के टिकट पर सस्पेंस के बीच दोनों ही नेता अपने प्रभार वाले क्लस्टरों में पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के अभियान में जुट गए हैं, इसी उम्मीद में कि पार्टी के लिए काम जारी रखेंगे तो फिर राजनीतिक पुनर्वास होना कोई मुश्किल काम नहीं है। आखिर मोदी है तो बीजेपी में सब कुछ मुमकिन है। और चूरू से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया प्रचार में जुट गए हैं। वहीं राहुल कस्बा पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री और चूरू लोकसभा प्रभारी अविनाश गहलोत ने बड़ी बात कह डाली। तो अविनाश गहलोत ने कहा कि राहुल कस्बा से बात की जा रही है, इसके बाद भी वह कोई कदम उठाते हैं तो उनके लिए नुकसानदायक होगा, पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। देखिए, उनसे प्रयास जारी है वार्ता का, मैं सोचता हूँ निश्चित ही ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उनके खुद के लिए भी नुकसानदायक होगा और चूरू के लिए नुकसानदायक होगा। बस इतना समय कहना चाहता हूँ, उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, उनको पार्टी के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। संगठन में बहुत सारे ऐसे और पद होते हैं जहाँ उनको एडजस्ट किया जा सके, समय समय के साथ में सबको एडजस्ट करेंगे। मैं सोचता हूँ कि 1990 से उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज